कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी है। जॉन की एक्टिंग कर उनकी बात की, आई थिंक इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग है। और मैंने ऐसी मूवी मतलब कंट्री से रिलेटेड बहुत टाइम बाद देखी है। जैसा कि यूनिफॉर्म में हमेशा जॉन एक करिश्मा दिखाते हैं, इस बार क्या कुछ दिखा पाए? एक्चुअली मेरे को ये मूवी ज़्यादा स्क्रिप्ट ओरिएंटेड लगी, और बिकॉज ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, इस वजह से मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अदर देन दैट, जॉन ने जिस तरीके से रोल को कैरी किया, इट वॉज रियली गुड। नहीं, रोमांस डायना और जॉन का कोई भी रोमांटिक पार्ट नहीं है मूवी में। इट्स टोटली लाइक अबाउट यू नो टोटली अबाउट द कंट्री। सॉन्ग सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर्स मिलेंगे आपको, कुछ भी ऐसे डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह नहीं है। बट जो वो दिखाना चाहते थे मूवी में, वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4.5। Movie was good. It was a patriotic film. One must watch it. I would rate it 4 out of 5. She watches his movies, but not. Wait, I watch his movies a lot. I am a big fan of. Yeah, actually, it was a good movie. National theme pe bani thi, so one must watch it to be like. And nuclear theme. It was quite a history that people might not have known. तो इट वॉज लाइक हिस्ट्री में क्या हुआ एंड ऑल दैट, तो नोइंग दैट इज अ गुड थिंग। या आई थिंक नाउ जॉन हैज स्टैंडर्ड टू दीज सॉर्ट ऑफ मूवीज ओनली, बिकॉज आफ्टर हैंडसम एंड ऑल दैट विच ही इज डन, तो आई थिंक ही इज डूइंग गुड। सो 4। वेरी डायनेमिक पर्सन। या सॉन्ग्स वर गुड, एनी पर्टिकुलर सॉन्ग आई वुड से, बट दैट ओवरऑल द सॉन्ग्स। हां, बहुत अच्छी मूवी लगी, पैट्रियोटिक मूवी। ऐसी मूवी बननी चाहिए, ऐसी मूवीज एक्चुअली बनती नहीं है, बहुत कम होती है। और इस तरह की मूवी बनने से हमारे अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग आएगी ना, अच्छा रहेगा। या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जॉन प्लेड वेल। बहुत मुश्किल रहा होगा। मैंने सोचा कैसे, मतलब पास्ट को ऐसे प्रेजेंट में उतारना इतना बढ़िया। पोखरण जब हुआ था, देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, 98 में मैं पढ़ रही थी, और अभी इतना बढ़िया उसको बिल्कुल। हाँ, फिल्म आ गया, बहुत अच्छी मूवी। 4.5। परवान इज़ अ बेटर, मुझे काफ़ी अच्छी लगी फिल्म, तो आपको देख के एक प्राउड फीलिंग हुआ अपने कंट्री के लिए, तो एक बार मस्ट वॉच, देखना चाहिए, काफ़ी अच्छी मूवी है, बेटर मूवी का। जॉन हमेशा ही बेटर थे, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, और काफ़ी पेट्रियोटिक फिल्म है, तो प्लीज़। मैं डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन बहुत ही बेटर है, डायना की भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। बोमन तो हमेशा बेस्ट एक्टिंग करते, इस बार काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। मैं पूरे 5 स्टार देना चाहूँगा, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे लिए थी, हर किसी के लिए प्रायोरिटीज अलग है, लेकिन जो एक अच्छा देशभक्त है उसके लिए काफ़ी बेटर मूवी थी, एक ज़बरदस्त मूवी। अरे हाँ, 5/5, बहुत अच्छी। जॉन की एक्टिंग एकदम लास्ट सीन तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कुछ ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, जो एक ऐसा ये गोल को फोकस करना है, गोल अचीव करना है वैसे। बात कर जाए तो ये नेशनल थीम पे बनी फिल्म। यस, कितना कुछ मुश्किल होता है डायरेक्शन में उसे पर्दे पर उतारना, और कितना इतने हद तक उतार पाए हैं डायरेक्शन, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, इतना तो मतलब आदत नहीं है, लेकिन एक फिल्म बनाने के लिए अच्छा है। नहीं, सब में यूनिफॉर्म है, सिविल ड्रेस है, ये मिलिट्री यूनिफॉर्म है, सब में अच्छे, लेकिन इस बार बहुत डैशिंग लग रहा है सच में। हाँ ठीक है, 5। बहुत अच्छी मूवी थी। जॉन वॉज वेरी नाइस, वेरी एक्सेलेंट, आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम, हिज एक्टिंग। जी अच्छी थी, शी वॉज वर्किंग विद जॉन, शी वॉज अ कलीग ऑफ जॉन अब्राहम। नहीं, डायरेक्शन सही किया है पूरा, हर चीज़ जो मतलब मूवी का हर एस्पेक्ट कवर किया है, जो जो होना चाहिए था।
जी मुझे फिल्म तो पूरी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी जी, ज़रूर 5। अरे हम मूवी बहुत अच्छी थी, नेशनलिज्म कूट कूट के भरा पड़ा है एंड इंटेंस है मूवी, सीरियसनेस है, एक्शन सीन्स इतने ज़्यादा नहीं है बट जितना थोड़ा बहुत है पिंच है, कॉमेडी बहुत अच्छा है मूवी का, लाइक यू लाफ अ लॉट एंड जब एंड इसमें दिखाया गया है कि वी इंडियंस कैन आउटस्मार्ट एनीवन, लाइक इवन अमेरिकन्स आल्सो। सो जब आप देखोगे ना आपको ऐसा नेशनलिस्ट वाला फीलिंग आएगा, सो इट्स नॉट अ वन टाइम वॉच, यू कैन वॉच इट अगेन ऑल्सो। इफ 3.5 स्टार्स आई विल गिव इट। लाइक ऐसा लग रहा था दैट ही ओन्ड द यूनिफॉर्म, लाइक उसमें एक सीन आता है वेर रिटेलर की यूनिफॉर्म मिला नहीं जाता, यू हैव टू ओन इट एंड एक्चुअली ओन्स द यूनिफॉर्म एट अ पॉइंट। शी वॉज साइड कैरेक्टर एक्चुअली, सो उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं था, बहुत अच्छा था। 3.5।